छाता तहसील के गांव सैनवा में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस मामले में मृतका के पति ने उच्चाधिकारियों से झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। छाता तहसील के गांव सैनवा में झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से 8 महीने की गर्भवती महिला सुमन को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी खबर प्रकाशन में ना आए इसके लिए डॉक्टर बॉस ने पत्रकारों को धमकी दे डाली और मृतक के पति को डराया धमकाया। डॉक्टर ने मृतका के पति को ये तक कह डाला कि उसके CMO साहब से डायरेक्ट लिंक हैं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी डॉक्टर की 20 दिन पहले गांव में नशा के इंजेक्शन बेचने की शिकायत पर चौमुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जांच के लिए गए थे, जहां तमाम नशीले पदार्थ मिले। उसके बाद भी विभाग ने इस डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समय रहते अगर कार्रवाई की होती तो शायद मृतक सुमन को अपनी जान गंवानी न पड़ती। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इतनी भयंकर है कि सुमन के पेट में पल रहा 8 महीने का बच्चा भी इस धरती पर पैदा होने से पहले ही चल बसा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कार्यवाही करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इस तरह से कोरोना महामारी में ऐसे झोला छाप डॉक्टर न जाने कितने लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना का भय दिखाकर प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे हैं, ना ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज हो रहा है। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमा द्वारा की गई जांच पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो शायद मृतक के पति और 1 साल के बच्चे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मृतक सुमन के पति को लगातार डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके द्वारा दिए गए बयानों को डॉक्टर बॉस के द्वारा बदलवाने की कोशिश की जा रही है। मृतक के पति ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। आप इलाज करवाया था आपने? करवाया। कहाँ करवाया था? सैनवा में। कौन पे करवाया था? बॉस डॉक्टर। बॉस डॉक्टर है? प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट है। प्राइवेट डॉक्टर है, उनका इलाज चल रहा था। फिर उनके इलाज के दौरान क्या हुआ था? खूनी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। हाँ।